हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड फोर्थ, चैप्टर नंबर 17। पहा पण, वॉच बट। लेसन का नाम है पहा पण, देखो। पण का मतलब है लेकिन। ऐका म्हणा, लिसन से। आई, मी टीवी पाहते। माँ, मैं टीवी देख रही हूँ। ये कौन कह रहा है? एक लड़की है जो टीवी देख रही है। माझ्या आवडीचा कार्यक्रम लागला आहे। माझ्या, मेरे। आवडीचा का मतलब है पसंदीदा। कार्यक्रम का मतलब होता है प्रोग्राम। लागला आहे, मेरे पसंद का प्रोग्राम लगा हुआ है। कई बार हम घर में टीवी देखते वक्त मम्मी को ऐसा कहते हैं। यहाँ पर इस लड़की ने भी अपनी माँ को ये कहा। मीनू, इतक्या जवळ बसून आणि एक सारख टक लावून टीवी पाहू नकोस, डोळे दुखतील तुझे। मीनू, उस लड़की का नाम क्या है? मीनू। इतक्या जवळ बसून, इतने नज़दीक बैठकर। जवळ का मतलब होता है नज़दीक। आणि एक सारख टक लावून, और एक जैसे टक लगाकर, यानी सिर्फ एक ही जगह पर देखने के लिए कहा जाता है टक लावून। टीवी पाहू नकोस, टीवी मत देखो। दौड़े दुखतील तुझे, तुम्हारी आंखें दुखेगी। कौन कह रहा है ये? आई, माँ कह रही है। किसे? मीनू को। मीनू को उसकी मम्मी कह रही है कि इस तरह से नज़दीक बैठकर टीवी मत देखो, तुम्हारी आंखें दुखेगी। आई, लवकर ये ना, बघ ना, माझ्या डोळ्यांना त्रास होते, डोळ्यातून पाणी येते। थोड़ी देर ही बाद मीनू ने अपनी माँ को आवाज़ दिया कि माँ जल्दी आओ। लवकर ये का मतलब है जल्दी आना। बघ ना, देखो ना, माझ्या डोळ्यांना त्रास होते, मेरी आँखों में तकलीफ़ हो रही है। त्रास का मतलब होता है तकलीफ़ होना। डोळ्यातून पाणी येते, और मेरी आँखों से पानी भी निकल रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? मीनू कह रही है। किसे? अपनी माँ को, कि मेरी आँखें दुख रही है और मेरी आँखों से पानी भी निकल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने टीवी जो है बहुत नज़दीक से देख रही थी वो, इसीलिए टीवी में जो रोशनी होती है वो आँखों पर इफ़ेक्ट करती है, और उसकी आँखों में से पानी निकलने लगा और उसकी आँखें दुखने लगी। अग, दूर बसून टीवी बघ, म्हणजे डोळ्यांना त्रास होणार नाही। मीनू की माँ कह रही है मीनू से कि तू दूर बैठकर टीवी देख, तो तेरी आँखें नहीं दुखेगी। मीनू, आज ना ही तुझे दौड़े दुखना। मीनू, आज तुम्हारी आंखें नहीं दुखेगी। अनबर का मीनू, टीवी खूब जवळून बघू नये, टीवी को नज़दीक से नहीं देखना है। मीनू की माँ मीनू से कह रही है कि आज तुम्हारी आंखें नहीं दुखेगी और टीवी को नज़दीक से नहीं देखना। उसकी माँ ने सोफे को दूर कर दिया टीवी से, और अब उसे कह रही है कि आज तेरी आंखें नहीं दुखेगी, क्योंकि टीवी और सोफे में काफ़ी अंतर आ गया है। इस लेसन से हमें क्या समझ में आया बच्चों? इस लेसन से हमें ये समझ में आया कि कभी भी हम घर में टीवी देखेंगे तो वो नज़दीक बैठकर नहीं देखेंगे, क्योंकि आंखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट से हमारे शरीर का, उसे बचाना है।
और टीवी की जो रोशनी होती है वो आँखों पर अटैक करती है, आँखों को तकलीफ़ देती है, इसीलिए टीवी को दूर बैठकर देखना चाहिए। इस लेसन से हमें यही समझ में आया, तो अब हम घर में जब भी टीवी देखेंगे तो दूर बैठकर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे आँखों को नुकसान ना पहुँचे। थैंक यू।